अभी इस वक्त हम आ गए हैं बरगिनिया प्रखंड के अक्टा पचमी चकवा पंचायत के पिपराड़ी सुल्तान पिपराड़ी गांव में आ गए हैं। जो बाढ़ में यहां आने का रास्ता बंद हो गया था, बिल्कुल यहां पर रास्ता जो है बंद हो चुका था, यहां पर बिना नाव का संभावना नहीं था आने का, तो मैं नहीं आ सका। लेकिन बाढ़ के बाद मैं कई दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ हाल खबर लेने के लिए। तो यहाँ पर जनता लोग हैं, कुछ लोग उपस्थित हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि बाढ़ के समय में यहाँ की जो परिस्थिति थी। आप आइए, क्या नाम है आपका? मनोज सा। अच्छा मनोज जी, बाढ़ के समय में बिल्कुल पिपाड़ी गांव जो है संपर्क से टूट जाता है। हम कई बार प्रयास किए लेकिन नाव न होने की वजह से मैं नहीं आ सका यहाँ पर। अभी आए हैं तो अभी देख रहे हैं कहीं पानी बह भी रहा है, वहाँ पर एक रोड भी है। इधर देखे ना पानी कितना लगा हुआ है, इधर पानी पूरा भरा हुआ है, इस तरफ वो सारे घास जमे हुए, घास के अंदर पानी है। हाँ। अच्छा फसल का क्या हाल है इस बार, फसल होगा या नहीं धान का? कहाँ से होगा, पानी निकल ही नहीं रहा तो होगा कहाँ से? पानी नहीं निकल रहा, जब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा जब तक मतलब पानी यहाँ पर, मतलब पुल ये जो अभी इस बार टूटा है या पहले से टूटा है? ये पहले हर साल रहता है धार में, हर साल धार में रहता है ना, इससे कम टूटा है, हर साल धार में रहता है। तो यहाँ पर क्या है की धान का जो फसल है वो बिल्कुल अभी सरे में धान नहीं होगा इस बार। चकवा ले वो फसल नहीं है, एक ही फसल नहीं चकवा लेके, हमारे पास सरे में भी नहीं है, नहीं है कहीं नहीं है, हर साल होता है ना 3 साल से। तो इस बीच में बाढ़ के इस समय में, जब बाढ़ के खत्म होने के बाद, अब तक सरकार के तरफ से किसी तरह का आप लोगों के लिए मदद के लिए या पूछने के लिए, खबर लेने के लिए, किसी भी तरह का सहायता के तौर पे जो कुछ आया आप लोगों को? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं। आप बोलिए ना, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नरेश सा। नरेश, आपका नाम? सुरेंद्र सहनी। सुरेंद्र सहनी, आप बताइए आपका नाम क्या है? बंसलाल सहनी। आप बताइए अपना नाम? सुखारी सहनी। तो यहाँ पर मतलब कोई भी आए नहीं? आए नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोई मीडिया कर्मी से भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या हो, आप बताइए, आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, सब लोग किसानी हैं, तो यहाँ पर जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सरे में घास ही और पानी है, तो बिया हुआ कहीं बचा उचा है आपका? नहीं, कहीं नहीं बचा, किसी का नहीं बचा। इस तरह चकवा बरपा भी ये हाल है कि कहीं बिया किसी का नहीं बचा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि बाढ़ के समय में इन लोगों का खबर लेने के लिए कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बता, घर मिले लोग के पानी घुस गया था, कोई नहीं है, यहाँ मदद भी नहीं करने आया, ऐसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है। बताइए, अफसोस की बात है कि पिपराड़ी सुल्तान जो है, पिपराड़ी गांव जो है, बिल्कुल जो बाढ़ में सबसे ज्यादा पानी जो रहता है पिपराड़ी गांव में रहता है। आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर जो पानी का बहाव है, पानी अभी भी बह रहा है, रोड भी टूट चुका है। वहाँ पर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर दिखाता हूँ, मैं ले चल रहा हूँ वहाँ पर, जहाँ देखिए अभी भी पानी का बहाव देख रहे हैं। ये सब जो है उधर जो बड़ी आबादी है, तो उस तरफ जो है रास्ता नहीं है जाने का, मैं जाकर देख कर आया हूँ। अभी पानी हिलकर ही लोगों को जाना पड़ रहा है। ये रोड बना है, वहाँ पर देखिए अभी पानी का धार चल रहा है। देखिए अभी जो पानी का बहाव है इस रोड से, यहाँ से पानी जो बह रहा है, देखिए ये पानी, ये पानी का बहाव है। देखिए मैं पानी में हिल भी रहा हूँ, तो ये पानी का बहाव, देखिए यहाँ पर जो रोड जो बना है, ये देखिए ये रोड भी है, देख रहे हैं ये रोड, आप करीब से देखें, ये रोड यहाँ से टूट चुका है, देखिए ये टूट चुका है। ये रोड कब बना है? ये खनिया, मतलब ये रोड 15 दिन हुआ, अच्छा महीना दिन हुआ, ये रोड तो बने हुए महीना से ऊपर हो गया, कितना? एक महीना से ऊपर, एक महीना से ऊपर हो गया, ये रोड टूट गया। ये PCC है, RCC है, क्या बोलते हैं इसको? RCC रोड एक महीना हुआ जो टूट गया, बाढ़ से वजह से टूटा या कैसे टूट गया? बाढ़ से टूटा, बाढ़ के पानी से रेत था बेचारा, इसमें कितना पानी रहा होगा? डुबाव पानी था इसमें, और ये देखिए वहाँ पानी था, गाछ के ऊपर आप देखेंगे कि काफी हाइट में था पानी, देख रहे हैं यहाँ पर डुबाव पानी था। और इधर जो बस्ती देखिए, एक आ रहे हैं, एक महाराज आ रहे हैं जो पानी हिलकर, देखिए लाठी लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अभी भी वो अपने, हाँ वो जो पोल के पास है वो पानी हिल रहे, उधर भी बड़ी आबादी है उस तरफ, वो पानी हिल कर आ रहे हैं। देखिए जांग भर पानी अभी भी यहाँ से, गांव से जो उन लोगों का घर है, यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी परेशानी है। और जो खेत का जो किसान की जो खेती जो फसल की जो बात है, इस तरह का जो आप देखेंगे कि आपको हरियाली दिखाई दे रहा है, लेकिन ये घास है जो अनेरुआ घास बोलते हैं, जो जम चुका है, देखिए बीच में पानी है चारों तरफ, इस तरह की है, और जो बिया था लोगों का खत्म हो चुका है। तो आप लोग ये बताएं, ये जो पानी जो बह रहा है, ये पानी ये किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है पानी, कहाँ गिर रहा है पानी? तो मरपा चकवा पिपराड़ी सरे से निकल के आ रहा है, इधर कहाँ लाल बखिया में गिर रहा है, लाल बखिया में गिर रहा है ना। तो देखिए अभी भी पानी का जो बहाव है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पानी वहाँ से निकल कर, यहाँ से पानी बहकर यहाँ से निकल रहा है, एक जगह और पीछे देखेंगे वहाँ से पानी निकल रहा है। तो इन लोगों का जो कहना है कि अब तक
किसी भी तरह से प्रशासन के तरफ से या क्षेत्रीय नेता और विकास जो कोई नहीं बात करते हैं, इस तरह के कोई भी नेता या जो मुखिया प्रत्याशी वगैरह कोई नहीं आएगा? कमाल की बात है कि इस तरह के कोई नेता इनके दुख में नहीं आप तक पूछने के लिए, और कोई भी सहायता नहीं मिला इन लोगों को, कुछ नहीं। क्या तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के नेता से और प्रशासन से, बताइए। टूट गला। उनका घर है सामने, देख सकते हैं आप जो खड़े हुए हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए वो सोच रहे हैं कहाँ से निकले हम बाहर, क्योंकि रास्ता नहीं है, बगैर पानी हेले भी वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखिए ये जो महाराज आ रहे हैं, यही पानी हेल कर आ रहे थे, वहाँ से जो जांग भर पानी हेल कर आए हैं, हम उनसे ही पूछते हैं। आप ही आ रहे थे उधर से पानी हेल कर रहे हैं वहाँ से? आपके घर जाने में पानी है अभी? बहुत पानी। कितना पानी है बताइए, तो हाथ रख के पैर पे जांग भर पानी देखा है। तो आप उधर भी जो मोहल्ला था उधर पूरा रास्ता ब्लॉक है, पूरा रास्ता बंद है, और बाढ़ के समय से आपको जो परेशानी हुई है, अभी आपका खबर लेने के लिए कोई आया है जनप्रतिनिधि, कोई नेता वगैरह विभाग के तरफ से? कोई नहीं आया। देखिए इन लोगों का कहना है कि हमारे पिपराड़ी गांव में अधिक बाढ़ होता है, यहां बड़ी परेशानी होती है, लेकिन इनके खबर लेने के लिए, इनका दुख सुख जानने के लिए अब तक कोई भी नेता या लोकल नेता हो, जो जिला स्तर से नेता हो, चाहे ब्लॉक के विभाग के लोग हो, खबर लेने के लिए नहीं आए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक जो बाढ़ के समय में जो बाढ़ से जूझी है, यहाँ परेशानी वालों का नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, यहाँ फसल जो है धान की जो खेती का जो बात करते हैं, यहाँ पर धान का जो खेत है देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी से इस तरह से भरा हुआ आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डूब चुका है, जो सामने खेत है जो बिया वगैरह का खेत वो पूरा खत्म हो चुका है। तो ऐसे सूरत में किसी भी टीम यहाँ पर न आना एक सोचने की बात है। हाँ तो आप ये जो टूटने का कारण क्या है? टूटने का नया रोड है सुन रहे हैं, टूटने का कारण है कि पानी तेज बहाव बहा है, जिसका मिट्टी वहाँ से खाली हो गया, दह गया है, उसके कारण। कहने का मतलब है कि इसके नीचे से मिट्टी खिसक गया और इस वजह से लोड पड़ा, रोड टूट गया, क्योंकि नया रोड था, नया रोड है, लोड नहीं ले पाया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण साहनी। ये लक्ष्मण साहनी जी है, जिनका कहना है कि जो नया रोड बना भल महीने दिन पहले बना और बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से इसके नीचे से जो मिट्टी है वो निकल गया, निकलने की वजह से इस पर दबाव पड़ा, दबाव होने की वजह से रोड का जो है पूरा कोर जो है टूट गया है। तो इस पर जो विभाग के लोग हैं इस पर गौर करें, फिर से इसको बाढ़ जो पानी खत्म होता है इसको बनाने का प्रयास करें और बनाया जाए इसको, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर देखिए काफ़ी रफ्तार में पानी रहा हुआ, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं अपने इस लाइव को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर अगली रिपोर्ट अगली न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।